मां से पढ़कर दर्जा दिया, आज उसी मां ने अपनी बेटी को जहर दिया। जिसके एहसानों का कर्ज अब तक उमा चुका रही थी, आज उसी उमा के भरोसे का कत्लेआम कर दिया मासी सानी। फिर से उमा शंकर को लग गया है झटका, लेकिन इस बार इस झटके की भरपाई शायद हो न पाए। हार तो हाथ नहीं लगी, मैं एक्चुअली इस सीन के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस सीन को देखें और आपको पता चले कि मासीसा का असली चेहरा कैसे उमा के सामने आता है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग रेवलेशन इन दिस शो। बहुत बड़ा एक रहस्य खुलेगा उमा के सामने, और वो कैसे खुलेगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ देखने के लिए। उमा ने अपनी जिंदगी में अगर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ मासीसा थी। इसलिए तो जो कुछ मासीसा कहती उमा चुपचाप उनका कहना मान लेती। लेकिन शायद उमा की ये गलती उन पर ही भारी पड़ गई, यानी इस बार वाकई में उमा की आंखें खुल गई। उनकी प्यारी मासीसा और उनके लाडले बेटे आदित्य की सच्चाई उनके सामने आ गई। एक बार फिर से कनक अपनी प्लान में कामयाब हो गई और मासीसा की सच्चाई उमा के सामने लेकर आई। हाथ में त्रिशूल लेकर मानो आज कनक ने माता का रूप ले लिया हो मासीसा की सच्चाई उमा के सामने लाने के लिए। मासीसा ने कनक को इतना ज्यादा उसके पेशेंस को इतना टेस्ट कर लिया है कि अब बस बहुत हो गया, और कनक ने त्रिशूल उठा ही लिया है मासी और मासी को तो नहीं पर आदित्य को रोकने के लिए, मारने के लिए नहीं। कनक ऐसे मारने वाने वाले काम नहीं करती, पर हाँ अगर अगर अपना काम बनवाना हो तो कनक यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत चीजें कर लेती है। तो शी हैज टेकन अ चंडिका देवी का रूप टू स्टॉप आदित्य। तो आज कनक खुश तो बहुत होंगी, क्योंकि कनक की कोशिश कामयाब जो हो गई है। एक तरह से मिक्स्ड इमोशंस हैं कि आ भी गई लेकिन इस तरह से आई, तो वो उस चीज का बड़ा दुख हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि अब सीरियल में जल्द ही एक रात से पर्दा हटेगा, जहां ये पता चलेगा कि मौलवी मरी नहीं बल्कि जिंदा है। वो सीरियल में नए ट्विस्ट के साथ जल्द ही आपको नजर आएंगी, क्योंकि सीरियल में आने वाला है ढेर सारा ड्रामा जिसकी पल पल